टोल टैक्स को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नितिन गडकरी जो हैं, उन्होंने टोल टैक्स को लेकर एक बड़ी राहत जो है वो आम लोगों को दी है। आखिरकार क्या खबर है, मैं आपके समक्ष रखता हूं। अगर आप भी हाईवे पर सफ़र करते हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। अब से हाईवे पर सफ़र करने वालों को भारी भरकम टोल टैक्स नहीं भरना होगा। जी हाँ, आपको इसी से राहत जो है वो मिल गई है। अगर आप भी हाईवे पर सफ़र करते हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से समय समय पर टोल टैक्स भरने वालों को कई तरह की राहतें दी जाती रही हैं। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने टोल टैक्स के रेट्स में कटौती कर दी है, यानी आपको अब पहले की तुलना में कम टोल टैक्स जो है वो भरना होगा। तो आइए चेक करते हैं कि अब के लेटेस्ट रेट्स जो हैं वो क्या रहेंगे। NHAI ने टोल टैक्स को घटा दिया है, जिसके बाद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे से आने जाने वाले रूट पर टैक्स में कटौती की है। NHAI की बात करूँ, उसकी तरह से बताया गया है कि डहरगाम स्थित प्लाजा पर टोल के रेट को कम करने का फैसला लिया गया है। वही 26 फरवरी से लागू हो गए हैं जो भी रेट्स हैं उन्हें लागू कर दिया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि हर टोल प्लाजा के प्रबंधक अभिषेक ने बताया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स को घटा दिया है और नई दरें 26 फरवरी से लागू हो गई हैं। बताना चाहूंगा कि पिछले 1 अप्रैल 2022 से टोल प्लाजा की दरों में इजाफा किया गया था, जिसको अब घटा दिया गया है। इसके अलावा अब मैं आपको और बताना चाहूंगा कि नए रेट्स के मुताबिक अब से पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर कार, जीप और वैन जैसे वाहनों पर एक तरफ से जाने में 60 रुपये और दोनों तरफ से जाने में 90 रुपये लगेंगे। वहीं पहले के लिए इसको 100 से 155 रुपये खर्च जो है वो किए जाते थे। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहूंगा कि NHAI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस रूट से होकर गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों को भी काफ़ी राहत जो है वो दी गई है। लेकिन इसके अलावा बस और ट्रक चालकों की बात करें तो उन लोगों को भी एक तरफ से जो है 320 रुपये, दोनों तरफ से 420 रुपये देने होंगे। वही इसमें कम करके 205 और 310 कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार जो है रेट्स को तो कम किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें उसे इस लिस्ट में नहीं डाला गया है। बाकी तमाम जगहों को इस सूची में रखा गया था जिनके रेट्स जो थे उन्हें भी घटाया गया है। यानी कि अब पंजाब, हरियाणा की अगर बात करें, दिल्ली की बात करें, वहाँ पर जितने भी टोल प्लाजाज हैं तो वहाँ पर टोल टैक्स है उनमें कटौती की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर जो है उसे इससे वंचित रखा गया है। आप लोग अपनी रिकमेंड सेक्शन में रख सकते हैं। जरूर के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।